कांग राजवंश, जिसे कभी कभी कांग युद्ध कहा जाता है, एक 16 भाग की कॉमिक बुक कहानी है जो जून 2001 और अगस्त 2002 के बीच एवेंजर्स वॉल्यूम 3 और एवेंजर्स वार्षिक 2001 के माध्यम से चलती है। यह कर्ट द्वारा लिखी गई थी। बुसिक और एलन डेविस, किरोन ड्वायर, इवान रिस और मैनुअल गार्सिया सहित कई कलाकारों द्वारा सचित्र है। कहानी कॉन्ग द कॉन्करर 30वीं शताब्दी के सरदार, सबसे घातक और सबसे पुराने एवेंजर्स दुश्मनों में से एक है, जो 21वीं सदी की शुरुआत में अपने बेटे मार्कस के साथ ग्रह पर विजय प्राप्त करने के इरादे से आया था। हालांकि कांग अस्थायी रूप से सफल है, मार्वल कॉमिक्स में शारीरिक रूप से दुनिया पर कब्जा करने वाला पहला खलनायक, जैसा कि दिमाग पर नियंत्रण के माध्यम से विरोध किया गया था, जैसे कि डॉक्टर डूम ने एक बार पर्पल मैन की शक्तियों को बढ़ाकर पूरा किया था, उसका विरोध किया गया और अंततः एवेंजर्स ने उसे हरा दिया। कहानी अपनी लंबाई के लिए उल्लेखनीय है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की इमारत के विनाश को दर्शाती है। हालांकि जीवन की हानि के बिना कांग ने उन सभी को एक बिंदु बनाने के लिए बचाया और वाशिंगटन डीसी की पूरी आबादी की मृत्यु इसकी योजना 11 सितंबर 2001 की घटनाओं से पहले बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसे प्रकाशित किया गया क्योंकि मार्वल कॉमिक्स ने कहानी को नहीं बदलने का फैसला किया। इस कहानी को मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में 5वीं एवेंजर्स फिल्म के रूप में रूपांतरित किया जाएगा, जिसका शीर्षक एवेंजर्स द कांग डायनेस्टी है, जो 2024 या 2025 में रिलीज के लिए तैयार है। चलिए अब जानते हैं कि क्या है कॉन्ग द कॉन्करर की कहानी। कॉन्ग द कॉन्करर अपने बेटे मार्कस नए स्कारलेट सेंचुरियन के साथ संयुक्त राष्ट्र के सामने प्रकट होता है, जब मार्कस को गोलियत ट्रायथलॉन आयरन मैन विजन वास्प और बारवर्ड द्वारा मुश्किल से हराया जाता है और एक अंतरिक्ष बेस से एक विस्फोट का उपयोग करके इमारत को नष्ट कर देता है। दामोकल्स, जो एक विशाल तलवार के आकार का है, लेकिन वास्प उन हत्याओं के बारे में बात करता है जो उसने की है, तो वह दिखाता है कि रहने वालों में से कोई भी नहीं मारा गया है। कांग समूह के चारों ओर एक बल क्षेत्र बनाता है और पृथ्वी के संभावित भविष्य के कई दृश्य दिखाता है। वे सभी अंधेरे और भयानक है। पहले तो यह माना जाता है कि वह पृथ्वी की मदद करना चाहता है, लेकिन फिर उसने घोषणा की कि वह इसे बचाने के लिए इसे जीतना चाहता है। कांग ने यूएन को बताया कि वह पहले फ्रांस पर हमला करेगा, फिर वह घोषणा करता है कि जो कोई भी उसके नाम पर भूमि पर विजय प्राप्त करेगा उसे उसकी नई व्यवस्था में स्थान मिलेगा। कई समूह और शत्रु जिनमें प्रेजेंस, द डेबियंट्स और अटुमा के अटलांटिस शामिल है, दुनिया भर में हमला करता है। कांग जानता था कि एक हमलावर सेना के खिलाफ पृथ्वी एकजुट हो जाएगी, लेकिन उनके खिलाफ वे खंडित हो जाएंगे। वह फिर सेंचुरियन के साथ टेलीपोर्ट करता है। अगर वे एक और हमला करते हैं तो घातक बल से हमला करने की धमकी देकर, इस बीच उपस्थित रेडियोधर्मी भूत जैसी जीवों की एक समूह के साथ रूस पर हमला कर रही है, जिसे अधिकांश सोवियत सुपर सैनिकों में बदल दिया गया है और कई एवेंजर्स सदस्य मिलते हैं। इन हमलों को रोकने के बाद कांग ने दूर भविष्य से अपनी सेना के साथ हीरो पर आक्रमण शुरू किया। एवेंजर्स और संयुक्त राष्ट्र के सैनिक अपने द्वारा बनाई गई प्राचीर पर बहादुरी से लड़ते हैं, जबकि अमेरिकी सेना पर विश्व के स्वघोषित मास्टर के हमले का कब्जा है, जो सभी प्रमुख उत्तरी अमेरिकी शहरों के आसपास कांग का विरोध करने में सक्षम तकनीकी टावर अंत में उसे मारने का प्रबंधन करता है। कांग के बेटे से कुछ छोटी सहायता के साथ जो उसके साथ मुग्ध हो, एवेंजर्स कांग के स्टारशिप डेमोकल्स बेस में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। इस बीच एक लंबे समय से चल रहे कथानक के हिस्से के रूप में एवेंजर्स को पता चलता है कि त्रिगुण समझ के रूप में जाना जाने वाला धार्मिक पंथ पृथ्वी को ट्रिपल इविल नामक एक रहस्यमय खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा है। हमले के विफल होने के बाद हमला शुरू करने वाले एवेंजर्स कैप्टन अमेरिका सहित अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। कांग ने सेंटिनल फ्लीट का नियंत्रण जब्त कर लिया, जिसके साथ अमेरिका ने खुद को बचाने की योजना बनाई थी, और वाशिंगटन डीसी को तबाह करने और लाखों लोगों को मारने के लिए एक भविष्य के हथियार का उपयोग करता है। इस तरह के और हमलों के खतरे के साथ दुनिया के पास कांग के सामने आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वास्प व्यक्तिगत रूप से एवेंजर्स के लिए ऐसा कर रही है। अंतरिक्ष में फंसे एवेंजर्स को न्याय, फायर स्टार और विजन द्वारा सहायता प्राप्त क्वासर और ड्रीम अंडरस्टैंडिंग द्वारा बचाया जाता है, जो उन्हें चेतावनी देते हैं कि ट्रिपल इविल आ गया है, चंद्रमा को दूर की ओर एक विशाल तैरता हुआ काला पिरामिड। वे इसका सामना करते हैं और अंततः विजय प्राप्त करते हैं। अरबों की प्राचीन शक्ति ट्रिपल इविल ने ट्रायथलोन को पारित कर नष्ट कर दिया था, जो 3D मैन का पुनः अवतार बन जाता है। अंडरस्टैंडिंग के प्रमुख जोनाथन ट्रेमोंड, जो अपने लिए सकने को पकड़ लिया गया है। एवेंजर्स को तब पता चलता है कि कांग ने पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली है। पृथ्वी पर कांग और स्कारलेट सेंचुरियन अपनी जीत पर खुशी मना रहे हैं, जब उन्हें यह बताया जाता है कि एवेंजर्स उनकी मुख्य जेल पर हमला कर रहे हैं। थोर और एवेंजर्स पृथ्वी पर मुक्त वास्प और कई अन्य नायकों को छोड़ गए हैं, उन्हें मास्टर के आधार पर ले गए, जिसे भी अपने संचालन के नए आधार के रूप में उपयोग करते हैं। उन्हें पता चलता है कि अमेरिका भर में उसकी तकनीक यानी विशाल रिंग दीवारों को कैसे सक्रिय किया जाए, जो कांग के लिए एक बड़ा खतरा साबित होता है। उनकी योजना उसे विचलित करने के लिए है, ताकि वारबर्थ, थोर, आयरन मैन, वंडर मैन और फायर स्टार डेमोकल्स बेस पर हमला कर सकें।
मास्टर की तकनीक उम्मीद से अपने सुरक्षात्मक बल क्षेत्र को नीचे ले जा रही है। वास्प के पास तब तक आरक्षण है जब तक कि राष्ट्रपति स्वयं, जो सुरक्षित रूप से आधार पर है, उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह मान जाती है लेकिन पहले कहती है कि उसे कुछ फोन करने हैं। इस बीच अंतरिक्ष में कैप्टन अमेरिका की टीम पिरामिड की शक्ति का उपयोग करते हुए पृथ्वी के लिए रवाना होती है। पृथ्वी पर कांग ने घोषणा की कि जब तक एवेंजर्स आत्मसमर्पण नहीं करते तब तक वह हर घंटे एक नष्ट कर देगा। इससे पहले कि वह अपनी धमकी को अच्छा करे, मास्टर के तकनीकी टावर जमीन से फूटते हैं और हमला करते हैं। दुनिया भर में अन्य लोगों ने कांग की सेना पर हमला किया, जिसमें उपस्थित एटलांटिस और देबिया भी शामिल है। एक जवाबी हमले में अपनी सेना के साथ कांग और सेंचुरियन डेमोकल्स बेस पर पीछे हट गए। वहां से वह एवेंजर्स के एक नए बेस का पता लगाता और फिर उस पर फायर करता है। कोई जीत की स्थिति का सामना करते हुए पांच नायक, जो उसके आधार पर हमला करने के लिए सहमत हुए थे, वैसे भी उड़ान भरते हैं। जैसे ही कांग विजय होने वाला होता है, पिरामिड डेमोकल्स बेस के बगल में भौतिक हो जाता है और उस पर आग लग जाती है। कांग अंतरिक्ष में खुद का एक विशाल होलोग्राफिक प्रक्षेपण प्रोजेक्ट करने के लिए अपनी तकनीक का उपयोग करता है। वह एवेंजर से कहता है कि वह उनकी सभी क्षमताओं का मुकाबला कर सकता है। कांग अपने बगल में अंतरिक्ष में कैप्टन अमेरिका के एक विशाल होलोग्राफिक प्रक्षेपण को खोजने के लिए मुड़ता है। विजन, क्वासर, जस्टिस, जैक ऑफ हार्ट्स, फायर स्टार और फोटोन पिरामिड के साथ साथ कांग के आधार पर हमला करते हैं। यहां तक कि विशाल कप्तान विशाल कांग से लड़ता है। डेमोकल्स बेस अपनी आग को पिरामिड पर केंद्रित करता है, जिसे पृथ्वी की रक्षा उस पर हमला करने की अनुमति देता है। भले ही पृथ्वी के नायक इसके खिलाफ लड़ाई में शामिल हो, प्रेजेंस और स्टारलाइट भी उनकी सहायता के लिए अंतरिक्ष में उड़ते हैं। कांग के पास कैप्टन अमेरिका पर बढ़त है और वह उसे हराने वाला है। लेकिन उस समय डेमोकल्स बेस को नुकसान इतना गंभीर हो जाता है कि कांग हेलियोग्राफिक प्रोजेक्शन को बनाए रखने में असमर्थ हो जाता है। ट्रायथलोन अनिश्चित है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग जारी रखेगा या नहीं, क्योंकि यह मृत सभ्यताओं से संबंधित है। क्रोधित बंदी ट्रेमोंट अपनी शेष शक्ति का उपयोग मुक्त तोड़ने और अंतरिक्ष में चार्ज करने के लिए करता है। अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके डेमोकल्स बेस फोर्स फील्ड को नीचे ले जाता है, यहाँ तक कि वह खुद बाष्पीकृत हो जाता है। एवेंजर्स बेस पर हमला करते हैं और बारवर्ड मुख्य कोर को नष्ट कर देते हैं। कांग फिर स्कारलेट सेंचुरियन को अपने समय के लिए एक कैप्सूल लेने के लिए मजबूर करता है, जिससे कांग सम्मान पूर्वक मर जाता है। एवेंजर्स खाली हो जाते हैं क्योंकि अपंग डेमोकल्स बेस पृथ्वी पर गिर जाता है। मेरीलैंड में बेस ग्रेसलैंड तबाही का कारण कांग अकेला बच जाता है। एवेंजर्स को इंतजार करते हुए पाता है क्योंकि वह खंडहर से निकलता है। वह उन्हें बताता है कि वह लड़ते हुए मनुष्य से लड़ने के लिए कदम बढ़ाता है। तलवार के खिलाफ ढाल कैप्टन अमेरिका युद्ध में कांग को हरा देता है और उसे बंदी बना लेता है। ट्रायथलोन ने घोषणा की कि एवेंजर्स के वापस उड़ान भरने पर उसे खुद से संपर्क करने के लिए छोड़ना होगा। उन्हें बताया जाता है कि कांग की अधिकांश सेनाएं अब आत्मसमर्पण कर रही है। दुनिया भर में लाखों लोगों ने उनके उद्धार की जय जयकार की, जश्न मनाया। उत्सव तब बाधित होते हैं जब एवेंजर्स को पता चलता है कि मास्टर का आधार आत्म विनाश करने लगा है। कांग अपने सेल में मरने के लिए संतुष्ट है क्योंकि उसने एक साम्राज्य बनाया था, बड़ी जीत हासिल की थी और यहां तक कि एवेंजर्स को भी हराया था। हालांकि स्कारलेट सेंचुरियन आता है और उसे बचाता है। गुस्से में कांग मार्कस से कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो अपने जहाज पर लौट आता है। कांग मार्कस को अपने निजी कक्षों में ले जाता है, जो 22 शवों के साथ एक मुर्दा घर के रूप में प्रकट होता है। ये सभी मार्कस के सटीक डुप्लीकेट है। कांग उसे बताता है कि वह पहला मार्कस नहीं है, लेकिन पिछले वाले हमेशा अनुपयुक्त साबित हुए थे। उसने सोचा था कि मार्कस अलग था, लेकिन फिर उसने खुलासा किया कि वह जानता था कि मार्कस ने बारबर्ड की मदद की थी। अगर मार्कस ने कबूल किया होता तो कांग मरने के लिए संतुष्ट होता और मार्कस को उसका उत्तराधिकारी बना देता, लेकिन चूंकि वह बच गया था, कांग एक गद्दार को बर्दाश्त नहीं कर सका। इसके बाद उसने मार्कस के सीने में चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। 23 जुलाई 2022 को सैन डिएगो कॉमिक कॉन के दौरान मार्वल स्टूडियोज ने एवेंजर्स द कांग डायनेस्टी को 2 मई 2025 को रिलीज के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 6 के लिए एक प्रविष्टि के रूप में घोषित किया है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।